भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप शुक्रवार 19 अप्रैल को सौंप दी। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला भारी देश है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन की डील की थी। भारत ने फिलीपींस को कितनी मिसाइलें दी अभी इसका पता नहीं चला है। इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिलीपींस को सौंपी गई मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलीपींस ब्रह्मोस के 3 मिसाइल सिस्टम को तटीय इलाकों में तैनात करेगा ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके। ब्रह्मोस के हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, 1 रडार और 1 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके जरिए सबमरीन शिप एयरक्राफ्ट से 2 ब्रह्मोस मिसाइलें 10 सेकंड के अंदर दुश्मन पर दागी जा सकती हैं। इसके अलावा भारत फिलीपींस को मिसाइल ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग देगा।